साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दे आनंदगढ़ दा किला छड्डण तों बाद जदों परिवार विछोड़े तों परिवार तीन हिस्सों दे विच वंडिया गया तां माता गुजरी जी छोटे साहिबजादियां नूं नाल लै के एक छन दे विच पहुंचे मलाह कुम्मा मासकी दे कोल पहुंचे अते उस कुम्मा मासकी दी मलाह तों माता गुजरी जी अते छोटे साहिबजादियां दी याद नूं समर्पित सालाना जिहड़ा नगर कीर्तन है वह सजाया जांदा है इह शहीदी पंद्रवाड़े दे दौरान। तो अज भी जिहड़ा नगर कीर्तन है कुम्मा मासकी दे उस महान पवित्र स्थान तों जिहड़ा सजाया गया है तो उस नगर कीर्तन बारे जानकारी सांझी करदे आ साडे नाल सिंह साहब ने प्रबंधक ने। अच्छा ये दसो भी ये नगर कीर्तन जिहड़ा ये सजाया जांदा हर साल तो की खास मकसद इस नगर कीर्तन का रहिंदा किस तरह का सुनेहा तुसीं कुम्मा मासकी छन दे गुरद्वारा साहब तो जदों नगर कीर्तन सजाउंदे हो तो इत्थे तक पहुँच जो की दिंदे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पहला तो जी दस दईए भी जिहड़ा गुरु गोबिंद सिंह का परिवार तीन हिस्सों विछड़िया सी गुरु गोबिंद सिंह जी ते उन्हां दे वड्डे साहिबजादे चमकौर दी गढ़ी ठहरे जी कुम्मा मासकी दी छन विच दादी माँ गुजर कौर जी अते छोटे साहिबजादे ठहरे जी ते इस स्थान ते जी जिथे आपां अज खड़े आ जी इत्थे माता साहिब कौर माता सुंदर कौर उन्हां दे नाल उन्हां दी दो गोलियां बीबी बीबो ते बीबी भागो ते उन्हां दे ओह वी सीगे जिहड़े उन्हां दी राखी करदे सीगे जी। ते उस तों बाद जी असी अज कुम्मा मासकी दे स्थान तों पिंड चकटेरां तों हरेक साल की तरह इतने नगर कीर्तन लेके आए हैं जी जिहड़ा कि निशान साहब की अगवाई सीगा शब्द चौंकी के रूप में शब्द गाँवते हुए उत्थों उरे पहुँचे आ। इसका मुख मकसद यह हैगा है जी भी अपना जिहड़े अपने नौजवान आ उन्हां दस सकीए भी अपना किस साइड नूं जा रहे तो किस साइड नूं अपन नूं जाना चाहिए है तो अपना भी कह लिए जी साढ़े रास्ता कुछ होर आ जी अपना अजकल पट पट के हो जाए मुख मकसद आप जगाना चाहते हैं जी उन्हां नूं। इस रस्ते तो माता गुजरी जी छोटे साहबजादे ज मातावान लंघ के आईया ने उन्होंने सारे रस्तों तो जो नगर कीर्तन लंघता आया पिंड किस तरह का सुनेहा जो रस्ते देंदे आए पिंड हरेक पिंड के नेड़े जी सारी संगत कड़ी सी उन्होंने साडा जी आयो वेलकम किया है जी तो संगत बहुत भारी उत्साह है सारे पिंड तो साढ़े एक दो तीन ट्रालियां जुड़दियाँ जुड़दियाँ असी इतने तक पहुँचे हैं जी। I'm going to go to the hospital.